हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नरेंद्र मोदी जीत गए, गुजरात और बनारस को धन्यवाद भी कह लिया और अब सबकी नजरें नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पीएम पद की शपथ लेने पर टिक गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार आखिर इस भव्य समारोह के साक्षी किस किस देश के नेता बनेंगे। ...2014 में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल था। दुनिया भर से कई मेहमान उस समारोह में आए थे, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि यह समारोह उससे भी ज्यादा शानदार हो। इसके लिए इस बार मेहमानों की लिस्ट लगभग तैयार है। वैसे तो कई सारे मेहमानों के नाम संभावितों की लिस्ट में शामिल हैं, शुमार हैं, लेकिन इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर लगभग मुहर लग चुकी है। सार्क देश भारत के सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं, इसीलिए इस बार भी इन देशों के नेताओं के नाम आने वालों की लिस्ट में हैं। इसमें श्रीलंका के मैत्रीपाल सिरिसेना का नाम तो लगभग तय माना जा रहा है। श्रीलंका सार्क देशों में आता है और सिरिसेना हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और भारत और श्रीलंका की दोस्ती को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। उसी तरह इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू का आना भी तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी बतौर पीएम इजराइल गए थे, वो भी किसी भी भारतीय पीएम की पहली इजराइल यात्रा थी और दोनों देशों के बीच कई सारे समझौते हुए थे। गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी की बम्पर जीत पर इन नेताओं ने ही सबसे पहले अपना बधाई संदेश भेजा था। पिछले कुछ सालों में भारत रूस और अमेरिका से अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा असमंजस में है। वैसे तो दोनों के साथ रिश्तों को लेकर भारत को किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। पिछले दो सालों में भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव होने से रूस और चीन नजदीक आ गए थे। अब रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपतियों को बुलाकर आने वाली सरकार ये जरूर चाहेगी कि दोनों देशों के साथ भारत का साथ और पुख्ता हो। पाकिस्तान इकलौता देश है जिसे न्योता देने के बारे में फिलहाल भारत काफी सोच विचार कर रहा है, जिसका बहुत बड़ा कारण है पुलवामा में हुआ आतंकी हमला। इस हमले में हमारी सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी और उसका सरगना मौलाना मसूद अजहर इस समय पाकिस्तान में है। इस हादसे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई थी। अब पाकिस्तान के निमंत्रण को लेकर काफी उलझन है। खुद पीएम मोदी विपक्ष को इस बात पर घेरते रहे हैं कि विपक्ष की जीत पर पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, लेकिन सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए, पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भारत भर में महामिलावट करने वाले लोग अब अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट करने में लगे हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं। यहां ये लोग मोदी को गाली देते हैं और वहां पाकिस्तान में इनके लिए तालियां बजती हैं। वहां के अखबारों में हेडलाइंस इनके बयानों से भरी पड़ी है। वहां के टीवी चैनलों पर इनके ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से देखे तो
आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। शपथ समारोह के लिए किन किन नेताओं को निमंत्रण दिया गया है ये तो 30 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन आने वाले 5 सालों के लिए निमंत्रण सोच समझकर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि भारत की छवि को विश्व पटल पर मजबूत करने का वादा नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें अपने मेहमानों के नाम बिल्कुल बारीकी से तय करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।